हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेनबक्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है, ए डिवाइस विच इज यूज टू सी द लार्जर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज बहुत छोटे होते हैं, जो नेक्ड आई से ना दिखाई दे, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के टाइप क्या होते हैं? तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप वो होता है एक जो कि एक सिंपली कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस कैसे? जैसे कि जो आप यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे मोबाइल वाले यूज करते हैं या पंडित वगैरह जो यूज करते हैं, वो होता है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप। सो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, हमारे पास दो तरह के केस आते हैं। पहला आता है व्हेन इमेज फॉर्मड एट डी, जब इमेज कहां पर बने? डी पे बने। तो इसके लिए अपन कैसे यूज करेंगे? आइए इसको यूज करते हैं अपन। देखिए तो इसमें क्या है, हमारे पास इस तरह से एक हमारे पास एक लेंस है ये, ठीक। और ये जो है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका फोकस है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां से एक ऑब्जेक्ट रे आई यू, इस तरह से जब एक रे यू आएगी, सो कहाँ से पास होगी? इट विल पास फ्रॉम द फोकस, सो ये फोकस से पास हो जाएगी, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। फिर क्या हुआ, फिर एक रे और आएगी, ठीक है, तो वो कहां से पास होगी? सो वो रे भी इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। सो वो रे बिना किसी डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल, सो ये दोनों रे क्या होगा, इस तरह से यू आ जाएगी। ठीक है, और हम यहां से देख रहे हैं। सो अब क्या होगा, अब हम इसको यू करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास एक इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ए डैश बी डैश, जो कि किस दूरी बन रही है? डी दूरी पर बन रही है। ठीक है, ये कितनी दूरी पर है? ये यू दूरी पर है। तो इस केस में आपसे पूछा जाए इमेज कैसी होती है, तो इमेज होती है वर्चुअल एंड लार्ज होती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो मैग्निफिकेशन आता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये मैग्निफिकेशन अलग होता है, इस मैग्निफिकेशन को हम क्या कहते हैं, इस मैग्निफिकेशन को हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर हम जैसा फॉर्मूला यूज करते थे माइनस का वी बाई यू, वैसा यूज कर सकते हैं। सो माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है वी बाय यू। अब वी किसके बराबर है? वी बराबर है माइनस डी के, और यू किसके बराबर है? यू बराबर है माइनस यू। ठीक है, देखिए वी इमेज कहाँ बन गई? डी पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? माइनस यू पर। सो माइनस से माइनस कट गया, तो इमेज का फॉर्मूला क्या आया? इमेज का फॉर्मूला आया एन इक्वल टू डी बाय यू, दिस इज द मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, अब यदि मैं बाय लेंस फॉर्मूला यूज करूं, लेंस फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/E V माइनस 1/U = 1/F। अब V किसके बराबर है? माइनस डी के। U किसके बराबर है? माइनस यू के, इक्वल टू 1/F। सो माइनस का 1/D माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस का 1/U = 1/F। एक काम करते हैं, D का मल्टीप्लाई कर देते हैं। D का मल्टीप्लाई करती है, इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन ये बन जाएगी, है ना, ये वन उधर चला जाएगा। सो डी बाई यू जो कि किसके इक्वल है? एम के इक्वल है, वो किसके बराबर आएगा? 1 + D / F। ये वाला जो 1 था,
ये उठ के इधर चला गया, सो एम आ गया 1 + d/f। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन सुनो। अच्छा इसी के अंदर पहले अपन केस सेकंड कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड क्या, व्हेन इमेज फॉर्मड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज फॉर्मड एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, व्हेन इमेज फॉर्मड एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी पर बनेगी तो एक बात सोचिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा। जब इमेज इंफिनिटी बनेगी तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा हमें फोकस पर, तो इसलिए यू इस केस में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा उस केस में एफ। ठीक है, सब जब इमेज इंफिनिटी बनेगी तो यू विल बी इक्वल टू एफ। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर। सो इन दैट केस जो एम हमारे पास था माइनस का डी बाई यू, सॉरी प्लस का डी बाई यू था, इस केस में अब यू को क्या कर दो आप, एफ के बराबर रख दो। सो एम कितना हो जाएगा, डी बाई एफ हो जाएगा। तो फाइनल इमेज क्या था, ये था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप ये आया था हमारे पास, इसी के अंदर यू की जगह हमने क्या रख दिया, एफ रख दिया। सो फॉर्मूला आ गया एम इक्वल टू डी बाई एफ। लेकिन हमें लॉस क्या हुआ, लॉस हमें ये हुआ कि मैग्निफिकेशन डिक्रीज बाय वन, मैग्निफिकेशन इन दैट केस मैग्निफिकेशन डिक्रीज बाय वन। पहले मैग्निफिकेशन कितना था, पहले मैग्निफिकेशन 1 + d/f, अब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, डी बाय एफ। सो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, डिक्रीज बाय वन, मैग्निफिकेशन जो है वो एक कम हो गया। क्या ये बात कहानी पूरी समझ आई, ठीक है सर ये तो समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सुनो। बोला गया कि ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन फाइंड द मैग्निफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट या व्हेन व्यू इन रिलैक्स मोड। अब ये रिलैक्स मोड का क्या मतलब है सर, ये बात भी कर ली। रिलैक्स मोड का मतलब है कि हम इमेज को रिलैक्स होकर देख रहे हैं, हमारी आईज में कोई पेन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो वाला मोड है ये नॉर्मल विजन का मोड कहलाता है, या इसे आप रिलैक्स मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास मैग्निफिकेशन का हमें जो फॉर्मूला देना है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा एम इक्वल टू डी बाय एफ। सो डी कितना है हमारे पास, 25, एफ कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5। सो मैग्निफिकेशन कितना हो गया हमारे पास 5। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। और जब तक ना बोले डिफॉल्ट मोड में, डिफॉल्ट मोड मतलब कुछ भी नहीं बोला, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एम इक्वल टू 1 + d/f का। एक बार नेवी के अंदर क्वेश्चन आया था, उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे, तो फिर ऑप्शन कौन सा यूज करें, तो आंसर है 1 + d/f वाला यूज करेंगे। नेवी के ये आया था लास्ट टू लास्ट फेब के अंदर, फेब 2018 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो दिस वन इज द पेज नंबर 5 ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद, नेक्स्ट आता है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था इसका जो मैग्निफिकेशन था काफी लेस था। सिंपल माइक्रोस्कोप एज लेस मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन कम था। फॉर हाई मैग्निफिकेशन के लिए वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या रखने हैं आपको, जो थ्योरेटिकल है देखो, इसके अंदर दो तरह के लेंस होते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में देखो क्या आता है, दो तरह के लेंस होते हैं। ठीक है,
सबसे पहला लेंस होता है कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होता है? जो टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। एक आता है ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आईपीस, ये किस तरफ होता है? टूवर्ड्स आई होता है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? एफ ई। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? एफ ओ। तो जो एफ ओ होता है, जो एफ ओ होता है वो कम होता है किससे? एफ ई से। ऐसा क्यों रखा जाता है? टू इंक्रीज द पावर, टू इंक्रीज द पावर, ठीक है। इसलिए हेलो। हम ये किससे यूज करते हैं? एफ नोट जो है वो छोटा होता है किससे? एफ ई से। क्यों? ताकि टू इंक्रीज द पावर, पावर को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जब एफ ओ छोटा होगा, एफ ओ छोटा होगा तो पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? एफ ई से, है ना, आई पी से ज्यादा पावर होती है। नेक्स्ट क्या आता है? दिस वन इज द पेज नंबर 6। नेक्स्ट क्या आता है? डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेंथ ऑफ ट्यूब। जो दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ ट्यूब कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको हम किससे लिखते हैं? इसको हम एल से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनल इमेज कैसी होती है। जो फाइनल इमेज होती है, फाइनल इमेज होती है हमारे पास इन्वर्टेड, लार्ज एंड वर्चुअल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक बार पूछा गया इंटरमीडिएट इमेज कैसे होती है। इंटरमीडिएट इमेज कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? उसके लिए आता है आपके पास एम का जो फॉर्मूला आता है, सॉरी वो कैसे होती है? वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। वो कैसी होती है हमारे पास? रियल होती है, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूले पर भी दो केस आते हैं, जो कि पेज नंबर 7 हमारा आज का, ठीक है। इसको हम याद रखते हैं, काउंटिंग को याद रखते हैं सही तरीके से, पेज नंबर 7। अब आता है हमारे पास कि इसके अंदर हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन दो केस होते हैं। केस वन क्या? वेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, जब इमेज कहां पर बनती है? डी पर बनती है। जब इमेज डी पर बनती है तब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है? सो तब इस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम नोट इनटू एम ई। एम ओ क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एम ओ क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एम ई क्या है? एम ई है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? तो इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू वी नोट अपॉन यू नोट इनटू डी बाय माइनस डी बाय यू ई, ठीक है। माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट इनटू डी बाय यू ई। कई बार आपको माइनस साइन आपको यूज होता हुआ नहीं मिलेगा कई बुक्स में, ठीक है। माइनस साइन से इतना बता रहे हैं कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, कि इमेज इज इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट फॉर्मूला एक तरह से और भी यूज कर सकते हो कि माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट इंटू वन प्लस डी बाय एफ ई, ठीक। फिर इसका एक फॉर्मूला और आता है कई बार ऐसा,
कि जो यू नोट है वो लगभग लगभग F4 नोट हो गए। ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यू ओ क्या है? आपसे पूछे यू ओ क्या है? सो यू ओ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंथ से कितनी दूरी पर है ये, तो ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव, है ना? यूई, वीई क्या है? वीओ क्या है? वीओ है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूई क्या है? डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ, वैसे कह लीजिए कि डिस्टेंस ऑफ, चलो ऑब्जेक्ट ही सही है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। और इसके लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव की इमेज, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बनेगी वो आईपीस का क्या होगा? आईपीस का ऑब्जेक्ट होगा। हालांकि ऐसा न्यूमेरिकल्स में आपको कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। यदि वी नॉट इक्वल टू एफ नॉट हो जाए तो वी नॉट एफ में क्या होगा? एल के बराबर होगा। सो एम का फॉर्मूला क्या आएगा? एम का फॉर्मूला आएगा एल अपॉन एफ नॉट इंटू वन प्लस डी बाय एफ ई। आपको तो ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, चार, ठीक है। एल क्या है इस केस में? एल क्या होता है? एल होता है वी नॉट, एल किसके इक्वल होता है? एल होता है वी नॉट प्लस यू ई के इक्वल, ये होता है। और ये कब है फॉर्मूले? ये फॉर्मूले तब है जब इमेज कहाँ पे बनी है? डी पर बनी है, ठीक है। ये फॉर्मूले सीधे सीधे आपको याद रखने, न्यूमेरिकल अभी हम इसके ऊपर करेंगे। दिस वन इज द पेज नंबर 9। नेक्स्ट आता है केस सेकंड। केस सेकंड क्या? कि व्हेन इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, जब इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी बने। तो एम का फॉर्मूला क्या होगा? एम का फॉर्मूला एमओ इंटू एम ही तो था ही, है ना? बस अब एम का फॉर्मूला एक और हो जाएगा कि वी नोट अपॉन यू नोट, और एम ई किसके बराबर हो जाएगा? डी बाय एफ ई के बराबर होगा। ये होगा हमारे पास एम का फॉर्मूला क्या इस केस में? सो एम हो गया वी नोट अपॉन यू नोट इनटू डी बाय एफ ई इन दैट केस, ओके। सो ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसा आता है? देखो क्वेश्चन आता है ये। अच्छा एक चीज और, इस केस में एल कितना होगा? एल होगा यू नोट प्लस एफ ई के। एल मतलब, एल क्या था? एल था डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, ठीक है। और ये किसके बराबर था? ये था डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस और हमारे पास, और ये जो था हमारे पास, दोनों लेंस के बीच की दूरी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 200 एंड एफओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एफ ई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा ये हमें बताना है। सो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एम का फॉर्मूला क्या होगा? एम नॉट इंटू एम ई होगा। एम हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना है? हमारे पास 200। एम ओ हमें पता नहीं है, तो एम ओ हमें पता नहीं है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये दिक्कत है। तो अब जब तक इसमें नहीं बोला जाएगा माइक्रोस्कोप, तो मैंने क्या कहा था आपको, कौन सा मोड यूज करना है? जो है 1 प्लस डी बाय एफ ई वाला, है ना? तो 1 प्लस डी बाय एफ ई, ठीक।
सो 200 इक्वल टू एम नॉट हमें पता नहीं है, 1 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना है 20, सो 200 इक्वल टू एम नॉट 20 प्लस डी कितना हो गया 45 अपॉन 20, सो एम नॉट कितना आएगा 200 इंटू 20, ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ, सीधा सीधा आंसर। और ये यही कहता है कि भैया फाइनल इमेज इनफिनिटी बन रही है, मतलब फॉर नॉर्मल विजन आपको बोल देता है, नॉर्मल विजन का मतलब कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफिनिटी बन रही है। जब फाइनल इमेज इनफिनिटी में बनेगी, जब फाइनल इमेज इनफिनिटी में बनेगी तो एम का फॉर्मूला क्या होगा, सो एम का फॉर्मूला होगा वी नॉट अबाउट यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। डी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, ह्यूमन आई वाली वीडियो के अंदर बताया भी है कि डिस्टेंस ऑफ बीच विजन होता है और ह्यूमन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो एम कितना होगा 200, वी नॉट अबाउट यू नॉट हमें पता नहीं है, डी डी कितना है 25, एफ ई कितना है 20, सो 20 में कितने में कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, सो एम नॉट या वी नॉट अबाउट यू नॉट जो मर्जी आप बोलो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 20 इंटू 8 के कितना होगा 160 के बराबर होगा। दिस विल बी द मैग्निफिकेशन, किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, दिस इज द पेज नंबर 10। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप दो तरह का होता है, कौन कौन सा, पहला होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के ऊपर अभी तक जो न्यूमेरिकल आए हैं हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं, हालांकि रिफ्लेक्टिंग जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है कैसे ग्रेडियंट टेलीस्कोप, और एक होता है न्यूटन टेलीस्कोप। तो हमें जो है हमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करना है, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप एक फॉर्मूला इतना सा याद रखिए बस, टेलीस्कोप में कोई सा भी न्यूमेरिकल आ गए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, एम का एफ नोट अपॉन एफ ई के बराबर, एल का एफ नोट प्लस एफ ई के बराबर, ल्यूसेंट बुक में हो या नेवी एयरफोर्स में हो या आरबीसी बोर्ड हो, सब में ऐसे ही न्यूमेरिकल आए, तो हमें यही याद रखना है ना। और एफ ओ जो है वो बड़ा होता है किससे, एफ ई से, या पी ओ बड़ा होता है छोटा होता है किससे, पी से, ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है। एफ ओ क्या है, एफ ओ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ओ है आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एफ ई क्या है, एफ ई हमारे पास फोकल लेंथ हो आईपीस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, आओ देखो न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल सुने, न्यूमेरिकल आता है आपके पास इन टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन, कितना है इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसका 300 है ना, या चलिए 200 है, एंड लेंथ इज 32 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी 34 सेंटीमीटर है हमारे पास, 33। देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस विल बी, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने ऑप्शन से करें। जैसे मैं आपको इसको ऑप्शन देता हूं, तो ऑप्शन क्या है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है इसका लाइक 200 एंड 20,
सेकंड ऑप्शन इसका 25 एंड 8, थर्ड ऑप्शन है इसका 8 एंड 25, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 16 एंड 17। तो फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव एंड एवरेज, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और दूसरी बाद आएगी इसकी। तो देखो पहले ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है तो मैंने आपको बताया था कि एफ ओ जो है वो बड़ा है एफ ई से, तो मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एफ ओ अपॉन एफ ई कितना आएगा, 8 आएगा, सॉरी एफ ओ अपॉन एफ ई कितना होता है, एम होता है। अब हमें मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है 200, ठीक है। सो एफ नोट अपॉन एफ ई हमारे पास कितना आना चाहिए, एम आना चाहिए, और एम कितना है हमारे पास 200 है, ठीक है। सो इसमें तो ऑप्शन नंबर गलत बैठेंगे, तो एफ ओ कितना है, एफ ओ है हमारे पास, हमें निकालना है, और एफ ई हमें पता नहीं, तो ये 200 हो गया। तो एफ ओ किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा 200 × एफ ई, ठीक है। सो हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो इतना आ गया। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन पर एम कितना होता है, एम होता है एफ नोट, सॉरी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है हमारे पास, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ नोट प्लस एफ। सो एफ नोट कितनी है हमें पता नहीं, एफ नोट कितनी है 200 एफ, यहां से देख लेते हैं एफ नोट कितनी है 200 एफ, और ये कितना है 33 प्लस एफ। सो एफ कितना आ जाएगा, 33/201, और ये यहां रखेंगे तो एफ ओ कितना आ जाएगा, 200 × 33/201, दिस विल बी द आंसर। पर हमें ऑप्शन से मैक्सिमम टाइम आपको ऐसी हिंट मिल जाएगी जिस हिसाब से कर पाए। सो होप यू लाइक द टुडे लेक्चर, दिस इज द स्क्रीनशॉट, आपको सारे स्क्रीनशॉट इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।